धर्मशाला में जो चोरी हुई हुई थी उसका आरोपी गिरफ्तार किया गया है, कहाँ गिरफ्तार हुआ है और क्या पूरा मामला है? देखिए, कुछ समय पहले जो है धर्मशाला मार्केट में एक इलेक्ट्रॉनिक स्टोर में जो है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स चोरी हुए थे, जिसमें पुलिस जो है सस्पेक्ट लीड्स पे काम करते हुए वर्कआउट हमने किया था उसको। तो एक जो क्रिमिनल गैंग है उसके बारे में हमें इस पर शक था, तो उनको वर्कआउट करते हुए हमारी टीम्स यूपी और बिहार और नेपाल में एक्टिव हुई थी पिछले कुछ समय से। तो एक आरोपी जो है वो उनको बिहार से जो है अरेस्ट किया गया है और धर्मशाला लाया गया है, और 4 मोबाइल फ़ोन्स उनसे रिकवर भी हुए हैं। तो उस केस में क्योंकि अभी लगभग 8 या 9 गैंग मेंबर्स के होने की हमें अंदेशा है, तो पुलिस अभी इस पर फर्दर जो है अपनी कार्रवाई आगे बढ़ा रही है, और जो आरोपी अरेस्ट हुए हैं उनका पुलिस रिमांड लेके उससे हम फर्दर लीड्स को आगे डेवलप करते हुए इस केस में आगे बढ़ेंगे। देखिए, बाहर की स्टेट्स में इस तरह की एक्टिविटीज़ जब होती हैं तो कभी कभी रेजिस्टेंस जो है पुलिस टीम्स को फेस करनी पड़ती है, तो वो कोई मतलब ऐसा कोई गंभीर मामला नहीं है। और जैसे इस व्यक्ति को अरेस्ट करने का प्रयास किया गया तो कुछ स्थानीय लोगों द्वारा जो है पुलिस काम को जो है रेजिस्ट किया गया, ऑब्स्ट्रक्ट किया गया, लेकिन पुलिस टीम जो स्थानीय पुलिस की सहायता से हमने इनको अरेस्ट किया और उसको फर्दर अभी हम आगे जो केस की लीड्स है उस पर काम करेंगे। देखिए, डिस्ट्रक्शन जो डिसाइडेड केसेस हैं या फिर जिनका प्री ट्रायल डिस्पोजल के सारे कंडीशंस पूरे होते हैं, तो ऐसे 7 केसेस को कल जो है पुलिस लाइन में जो कमेटी इसके लिए बनी है उसके द्वारा 1 किलो 400 ग्राम से अधिक चरस जो है उसको नष्ट किया गया, और उस कमेटी द्वारा जो सभी प्रोसेसेस को कंप्लीट करते उस गतिविधि को हमने कंप्लीट किया था। और आज जो पुलिस स्टेशन पालमपुर में जो है 3 लोगों को जिनका काफ़ी लंबे समय से उस एरिया में एक्टिव थे और बार बार जो है पब्लिक की इंफॉर्मेशन में नाम उनका चिट्टे की सप्लाई में और पालमपुर के नेटवर्क में नाम आ रहा था, उनको जो है आज 7.64 ग्राम चिट्टे के साथ जो है पालमपुर की टीम ने अरेस्ट किया है। और 3 लोग इसमें शामिल है जो कि तीनों ही अंडर 30 एज के हैं और लोकल कांगड़ा ज़िला के ही रहने वाले हैं। तो फर्दर हम इनकी अभी पूछताछ जारी है और ये सोर्स किस तरह से किया गया था उस पर हम आगे इस पर आगे काम करेंगे। देखिए, लोकसभा चुनावों की तैयारियां तो कुछ समय से स्टार्ट हो गई हैं और इसमें डिफरेंट कमेटियों का गठन होता है, और अब शॉर्टली जो है CAPF की टीम्स भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में उनका आना जो है उनका शेड्यूल आया है, और इस संबंध में जो है CEO महोदय द्वारा भी जो है मीटिंग्स कंडक्ट कर ली गई हैं और जो भी डायरेक्शंस हैं पुलिस टीम्स को मिले हैं हमें मिले हैं। तो जो होमवर्क है और प्रिलिमिनरी वर्क है उस पर हम काम कर रहे हैं, और जो पोलिंग बूथ पोलिंग स्टेशंस हैं उनका क्या क्लासिफिकेशन रहेगा, किस तरह की अरेंजमेंट्स रहेंगी, और जो CAPF की टीम्स हमें चाहिए और किस तरह से जो हमारे इंटरस्टेट बॉर्डर्स हैं उनको सील किया जाए, और बाकी जो डिटेक्शन गतिविधियाँ हैं जिसमें खासकर इलिसिट लिकर और ड्रग्स के जो मैटर रहेंगे और कैश फ्लो पे उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। तो MCC लगते ही बहुत सारी टीम्स हमें एक्टिवेट करनी होती है, तो उसकी अभी हम तैयारी कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि जो भी CAPF की टीम्स हमें आएंगी उनका उचित व्यवस्था और उनका सही डिप्लॉयमेंट हम करेंगे, और साथ ही जो MCC के कंडीशंस हैं MCC के रेगुलेशंस हैं उसको कांगड़ा पुलिस पूरी तरह से कमिटमेंट के साथ हम इलेक्शन के दौरान काम करेंगे। इस विषय पर जो डिटेल्ड जानकारी है वो सारे जो पोलिंग स्टेशंस और पोलिंग बूथ्स और कितनी कंपनियां हमें कितने जवान रिसीव होंगे इलेक्शन कराने के लिए, वो जानकारी जैसे ही फाइनल होगी तो आपके माध्यम से दोबारा जो है उसको हम शेयर करेंगे। मैच भी होने वाले हैं, टेस्ट मैच, तो HPC ने भी आपके सहयोग की अपील की है, तो कांगड़ा पुलिस की बात करें तो किस तरीके से सहयोग जो है वो रहने वाला है, तैयारियां कैसी?
देखिए पिछले साल जो है कांगड़ा ज़िला में आईपीएल के 2 मैचेस हुए और उसके बाद 5 मैचेस लीग मैचेस जो हैं क्रिकेट वर्ल्ड कप के भी यहाँ पे हुए, जो कि सभी सक्सेसफुली और पीसफुली कंडक्ट हुए, कंक्लूड हुए। और HPCA के सहयोग से और बाकी सभी जो स्टेक होल्डर्स हैं हमारे उनके सहयोग से कुछ मैचेस फुल हाउस थे, कम्प्लीटली सोल्ड टिकट्स थी और ट्रैफिक व्यवस्था भी उचित बनाने में शहरवासियों का भी हमें पूरा सहयोग मिला। तो इस बार हमें 7th से इंडिया वर्सेस इंग्लैंड जो सीरीज़ का लास्ट मैच है उसकी मेज़बानी करने के लिए धर्मशाला रेडी है और HPCA के पदाधिकारियों से इस संबंध में हमारी चर्चा हो चुकी है और जो भी हमारे पुराने एक्सपीरियंसेस हैं और इश्यूज़ रहते हैं उन पर हमने डेलीब्रेट कर लिया है। और मुझे यकीन है कि जैसे वर्ल्ड कप के मैचेस पूरा महीना भर बहुत अच्छे से और एक बहुत अच्छे माहौल में संपन्न हुए थे, उसी तरह जो टेस्ट मैच के 5 दिन हैं वो भी हम सक्सेसफुली हैंडल करेंगे और जो टीम्स आ रही है उनकी पूरी उचित सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे बनाई जाएगी।